धान की पत्तियां आपको हल्के लाल व जंग जैसे जो पत्तियां हैं वो आपको दिखाई देगी। ये जो पत्तियां हैं वो आपकी नई जो पत्तियां हैं वो भी हो सकती है, या फिर जो पुरानी पत्तियां हैं ज़्यादातर वो आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग के अंदर जो पत्तियां हैं वो हल्के रेड कलर की होती है, उसके बाद में जो जंग जैसा है तांबे का जो कलर है वो धीरे धीरे होता जाता है, और आखिर में जा करके वो जो प्लांट है या फिर वो जो पत्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की जो समस्या है वो लगभग आपको अगेती जितनी भी वैरायटी हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है। अभी जो भी आप 75 वैरायटियाँ ट्रांसप्लांट कर रहे हो उनके अंदर ये जो समस्या है वो आई नहीं है, लेकिन आ सकती है। तो इस ये समस्या किस कारण आती है और इसका जो हम सॉल्यूशन है वो कैसे कर सकते हैं? किसान साथियों, ये आपका प्लांट जो है वो जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो शो करता है। जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर इस तरह के जो सिम्टम है वो आपको दिखाई देते हैं। अब आपके काफ़ी सारे सवाल हो कि हमने जिंक नीचे डाल दिया है, भी जो जिंक है उसकी कमी क्यों आ रही है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिंक की जो कमी है वो क्यों आती है। जिंक की कमी सबसे पहले जिस मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस यानी कि DAP या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का आपने प्रयोग किया है और उसके 5 या 4 दिन बाद में आपने जिंक डाल लिया है, वहाँ पर भी आपके खेतों के अंदर जो जिंक की कमी है वो शो करती है। जहाँ पर फॉस्फोरस पड़ा होता है, फॉस्फोरस के साथ जब भी जिंक मिक्स होती है तो वो जिंक फॉस्फेट बना लेती है, एक पत्थरनुमा सॉल्यूशन बन जाता है, हार्ड सॉल्यूशन बन जाता है जिसे प्लांट उठा नहीं पाता। DAP हमारी मिट्टी के अंदर करीबन 40 से लेके 45 दिन तक काम करती है। DAP का मिट्टी के अंदर घुलना वो आपके pH के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका pH न्यूट्रल है तो हो सकता है कि आपने जब DAP डाली है तो आपके डालने के 6 या 7 दिन बाद में वो आपकी मिट्टी के अंदर काम करना स्टार्ट कर दे। अगर आपके मिट्टी का pH मान ज़्यादा है और आपने DAP डाली है, DAP का वैसे भी pH मान 8 या 8.5 होता है, यानी कि थोड़ी सी हाईली होती है, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे होता है, फिक्स नहीं होता ये DAP का pH की। आपने DAP डाली और आपका हमेशा जो pH है वो ज़्यादा रहेगा। जैसे ही आप DAP का प्रयोग करते हो, अगर आपका मिट्टी का पहले से जो pH मान वो ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपके यहाँ जो DAP है वो डालने के करीबन 12 या 13 दिन के बाद में घुलना स्टार्ट हो। फिर आगे जा करके आप सोच सकते हो कितने दिन तक वो जो काम है वो करती है। उसके बाद में हम काम बात करते हैं कि जिन मिट्टी का pH मान ऑलरेडी ज़्यादा है, सारी मिट्टी है, या आप खेतों के अंदर खारा पानी जो है वो यूज़ करते हो, वहाँ पर भी आपकी जो जिंक है वो कार्य नहीं करती है। जब भी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस समय पौधा जड़ों द्वारा जो न्यूट्रिएंट है उसको उठाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम कर देता है। किसानों के यहाँ मिट्टी का जो pH मान है वो 7.5 से अत्यधिक है, यानी कि आपका जो pH है वो ज़्यादा है। अगर वो किसान साथी थोड़ा सा मौसम ठंडा होने के बाद या बारिश के पश्चात आप खेतों के अंदर छिट्टा विधि द्वारा जो अपना जिंक देना चाहते हो, तो कृपया करके आप उस जिंक के साथ में 3 से लेकर 5 किलोग्राम जो सल्फर है, चाहे आप 90% वाली लो चाहे आप 80% वाली लो, वो मिला करके जरूर डालें। कारण ये रहता है कि जहाँ पर हाई pH रहता है वहाँ पर जो जिंक है वो प्लांट द्वारा नहीं ले पाती। और आपने क्या करना है कि जैसे ही आप जिंक डालोगे उसके साथ में अगर सल्फर डलेगी तो सल्फर एक बार के लिए आपकी मिट्टी का जो pH मान है वो कम कर देती है, जिसके कारण आपके द्वारा डाली जो जिंक है वो पौधा उसे ग्रहण कर लेता है और आपके खेतों के अंदर जो जिंक की कमी है वो दिखाई नहीं देती। कभी भी जिंक जो है वो सिंगल नहीं आता, जिंक सल्फेट आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि जब भी जिंक को तैयार करते हैं तो सल्फर की सहायता से तैयार किया जाता है। कारण ये रहता है कि मिट्टी का pH मान हाई होने के कारण में जिंक के साथ में जो सल्फर लगी होती है वो एक बार के लिए थोड़ा सा जो pH है वो कम कर देती है ताकि जिंक जो है पौधा उठा ले। लेकिन जिन खेतों के यहाँ ऑलरेडी pH मान ज़्यादा है तो जिंक के साथ में उतनी जो सल्फर है वो दी नहीं हुई थी पैकेट के अंदर, तो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो सल्फर है वो अपने खेतों के अंदर जरूर डालनी है। पहली बात तो यह है कि अगर आप नीचे जिंक को ना दें तो आप स्प्रे के माध्यम से जो इसका सॉल्यूशन है प्लांट का वो कर सकते हो। आपने क्या करना है कि जिलेटेड जिंक आती है 12% के अंदर, या फिर आप लिक्विड जिंक, काफ़ी आप जिंक ऑक्साइड वगैरह देखते हो 39.5% के अंदर आती है, उसे आप 100 या 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। उसके साथ में जिनेब आपने लेना है करीबन 500 ग्राम। अगर आपको जिनेब नहीं मिल रहा है तो आप M45 का आधा किलोग्राम प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको M45 भी नहीं मिला फंगीसाइड तो आप मेटीराम आता है टेक्निकल, वो भी आधा किलोग्राम ले सकते हो। ये तीनों जो है वो जिंक बेस्ड अपने फंगीसाइड रहते हैं, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हो, और मिला करके आप इसे यूज़ करते हो तो आपके खेतों के अंदर ये जो समस्या है वो दूर हो जाती है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो माइक्रो न्यूट्रेंट देती है मिक्सर के अंदर, उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी रहती है, आपने अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करना है, वो भी आप ले सकते हो अगर आपको चिलेट जिंक अकेला ना मिले तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब या फिर जो पेज को फॉलो है वो जरूर कर ले। धन्यवाद किसान।